नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 सितंबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान के 48 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के नाम लगभग तय। पीएम मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में फिर टॉप पर। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज, लोकसभा व विधानसभा चुनावों पर होगी चर्चा। और सांवला सीट के भंडारे से निकले 7 करोड़ रुपए। केरल में निपाह संक्रमितों के कांटेक्ट में 1008 लोग आए। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा ने राजस्थान के 48 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर दिए हैं। प्रदेश इकाई से सुझाए नामों पर शीर्ष नेतृत्व ने गहन मंथन के बाद इन सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर सहमति दी है। सूत्रों का कहना है कि अगले सप्ताह केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद अंतिम रूप से इन उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को जयपुर में परिवर्तन यात्रा समापन रैली के बाद पहली सूची जारी होने की संभावना है। सबसे पहले पार्टी लगातार 3 चुनावों से हारी हुई डी वर्ग की सीटों के उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। पीएम मोदी ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। इस बार उन्हें 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। मोदी के बाद लिस्ट में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट 64% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे और मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज एब्रेडोर तीसरे स्थान पर हैं। डिसीजन इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने ये लिस्ट जारी की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानेज 48% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 5वें स्थान पर और इटली की पीएम जी मेलोनी 42% रेटिंग के साथ 6ठे स्थान पर हैं। कांग्रेस की पुनर्गठित कार्य समिति की पहली बैठक शनिवार दोपहर 2:30 बजे हैदराबाद में होगी, जिसमें अगले साल के लोकसभा और इस वर्ष होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की रणनीति तथा कई अन्य विषयों पर मंथन किया जाएगा। पार्टी इस आयोजन के माध्यम से तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति को भी चुनौती देने की तैयारी में है। इस बैठक के साथ ही कांग्रेस तेलंगाना के लिए 6 गारंटी की घोषणा करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी अध्यक्षता करेंगे। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी में शुक्रवार को दूसरे चरण की गिनती हुई। इसमें 2,84,30,000 रुपयों की गिनती की गई। भंडारे के कुल 7,48,09,000 रुपयों की गिनती पूरी हो चुकी है। नोटों की गिनती और सोने चांदी का वजन करना अभी बाकी है। वहीं मंदिर मंडल की ओर से आगामी मेले की भी तैयारियां की जा रही है। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का 6ठा केस मिलने के बाद सभी स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन सेंटर्स को 24 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। 14 सितंबर से ही शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं। दूसरी तरफ निपाह वायरस से संक्रमितों के कांटेक्ट में आने वाले लोगों की संख्या 1008 हो गई है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि इनमें से 327 स्वास्थ्य कर्मी हैं। कोझिकोड जिले के बाहर संक्रमितों के संपर्क में 29 लोग आए हैं। गुजरात में भाजपा सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पारित किया है, जिसने पंचायत, नगर पालिकाओं और नगर निगमों जैसे लोकल स्व सरकारी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 10 से बढ़ाकर 27% कर दिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र का कल भरतपुर दौरा प्रस्तावित है। राज्यपाल कल खनुआ में आएंगे। राज्यपाल के दौरे को लेकर अधिकारी लगातार खनुआ का निरीक्षण कर दौरे की तैयारियां कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को SP मृदुल कछावा ने निर्देश दिए हैं। राणा सांगा शहीद स्मारक की साफ सफाई की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्र का कार्यकाल शुक्रवार को खत्म हो गया। उनकी जगह राहुल नवीन को ED का अंतरिम डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। बिहार के रहने वाले राहुल 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं। वे ED मुख्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी और विशेष निदेशक हैं। नए निदेशक की औपचारिक नियुक्ति होने तक वे निदेशक की जिम्मेदारी निभाएंगे। संजय मिश्रा को पिछले साल 18 नवंबर को रिटायर होना था। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा शादी करने जा रहे हैं। दोनों ने शादी के लिए दुनिया के टॉप 3 5-स्टार होटल्स में से एक उदयपुर के दलीला पैलेस को चुना है। परिणीति की जिस स्वीट में चूड़ा रस्म होगी, वहां एक रात का किराया 10 लाख रुपए है। होटल में 8 तरह की स्वीट और 80 कमरे हैं। डाइनिंग एरिया कांच से बना है। अजमेर नगर निगम में वार्ड नंबर 54 के पार्षद सुनील धानका के फर्जी सील और साइन करके एक ई मित्र संचालक ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना लिया। फर्जी सील व साइन लगाने की जानकारी पार्षद को जब लगी, तब बीमा क्लेम की पुष्टि के लिए बीमा कंपनी ने पार्षद से संपर्क किया। पार्षद ने दस्तावेज जांचे तो पता चला कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर लगी सील व साइन उनके नहीं है। उन्होंने आयुक्त को शिकायत देकर इसे निरस्त करने के लिए कहा है। वहीं पार्षद इस मामले में आज अलवर गेट थाने में शिकायत दर्ज करवाएंगे।
ओडिशा सरकार ने प्राइमरी और अपर प्राइमरी सरकारी स्कूलों में जूनियर टीचर्स के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत 20,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवार ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में सेलेक्ट होने पर हर महीने 25,000 रुपये से लेकर 35,400 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए इन दिनों एसीबी की टीम भी जागरूकता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में आए दिन एसीबी के अफसर स्कूलों में जाकर वहां के स्टाफ से लेकर बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिए भी संकल्प दिला रहे हैं। आज भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक की टीम राजस्थान जयपुर के निर्देश पर टोंक जिला मुख्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठी नाथमाम में जागरूकता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशासन शहरों के संग अभियान में ज्यादा से ज्यादा भूखंडदारियों का पट्टे मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने सैकड़ों संशोधन किए हैं। पट्टा अभियान में अब 15 दिन ही बचे हैं। जयपुर में जेडीए अब तक 1.25 लाख पट्टे बांट चुका है, लेकिन अभी तक ऐसे हजारों भूखंडदारी हैं जो नियमों के अभाव में पट्टे को तरस रहे हैं। जेडीए द्रव्यवती नदी के किनारे बसी सैकड़ों कॉलोनियों में हजारों भूखंड को लो लेवल यानी खातली जमीन का हिस्सा मानकर पट्टे नहीं दे रहा है। लो लेवल निर्धारण को लेकर जेडीए में पुराने ही नियम लागू हैं, जबकि द्रव्यवती नदी का नए सिरे से डिमार्केशन तय कर 47 किलोमीटर तक पक्का किया जा चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले सीकर में जाट मुस्लिम और मेघवा समाज का संयुक्त सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें शिरकत करने के लिए मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक आएंगे। कार्यक्रम सीकर में 17 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। आयोजक राधेराम गोदारा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और सभी समाज वर्ग के साथ लेकर चलना है। राजस्थान में आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों में बिजली उपभोक्ता मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र में अब तक 36,37,367 घरेलू उपभोक्ताओं ने तथा 4,38,460 कृषि उपभोक्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें 45,35,000 कुल योग्य उपभोक्ताओं में से 80.2% लाभार्थियों ने पंजीयन करवा लिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।